गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने जवान का ट्रेलर देखा है, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखा। जवान का शाहरुख खान स्टारर, अतली डायरेक्शन। अतली इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डायरेक्टर इन साउथ इंडिया, तमिल के डायरेक्टर हैं, ब्रिलियंट डायरेक्टर है। मैक्सिमम जितने भी पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट किए हैं सब के सब सुपर डुपर हिट मूवीज़ हैं। उनका स्टोरी कॉन्सेप्ट, उनका स्टोरी लाइन, उनका एक्शन सीन जो भी है सॉलिडली कोरियोग्राफ करते हो। इस जवान के ट्रेलर में मैंने तीन बार इसलिए देखा ये समझने के लिए कि शाहरुख खान इसमें विलेन है या हीरो है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन द ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर में देखने के बाद में कुछ भी पता नहीं चला कि स्टोरी का क्या है, स्टोरी का बेस क्या है, शाहरुख का कैरेक्टर क्या है। विजय सेतुपति जी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, दीपिका पादुकोण, नयनतारा वन ऑफ द वेल नोन एक्ट्रेस इन साउथ इंडिया, इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, बट स्टोरी लाइन कुछ भी पता नहीं चला। ये समझने के लिए मुझे तीन बार देखना पड़ा ये जवान का ट्रेलर। ब्रिलियंटली कट ट्रेलर है एकदम, उनके एक्शन सीन्स टॉप नॉच में दिख रहा है, सिनेमेटोग्राफी हो गया है, कैरेक्टर डिजाइनिंग हो चुका है, बैकग्राउंड स्कोर सुपर्ब, अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूजिक बाय अनिरुद्ध, वन ऑफ द वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर इन साउथ इंडिया अनिरुद्ध। और इनके डायरेक्शन, अत्री डायरेक्शन के बारे में तो आपको तो पूछो ही मत। उनके कोई भी पिछले मूवीज आप उठा के देख लो, उनके मैक्सिमम मूवीज विजय के साथ में होता है, तलापति विजय, वो मूवीज़ उनके पुराने मूवीज़ देख लो सुपर्ब है। ये जवान का ट्रेलर को देख के मुझे यही लगता है कि बिग ब्लॉक लेटर्स में ब्लॉक बस्टर होने वाला है, क्योंकि इतना भर भर के इसमें एक्शन सीन्स दिया है, इतने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन कोरियोग्राफ किया है। और सबसे ज़्यादा इसमें लगता है कि मेरे ख्याल से ये वुमेंस को लेकर ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जितने भी एक्शन सीन्स दिखाया है इस ट्रेलर में सब के सब लड़कियाँ फाइट कर रही हैं, लड़कियाँ उनकी आर्मी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोरी तो वहाँ से कुछ निकल के आता है शाहरुख का कैरेक्टर को लेकर शायद। बट जितना भी ट्रेलर देखा हूँ समझा हूँ, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन बॉलीवुड, क्योंकि बहुत बहुत टाइम के बाद में शाहरुख खान पठान के साथ आया रॉक ऑन, जवान के साथ आ रहे हैं बैंग ऑन, सो सुपर्ब। ये रिलीज मूवी सितंबर में आ रही है, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ रहा है, देखो एंजॉय करो। शाहरुख इज शाहरुख ऑलवेज इज़ अ ट्रू बैंग ऑन स्टार, और इनकी जितनी भी मूवी हैं अच्छा लगता है देखने के लिए। लास्ट पठान भी सुपर्ब था, जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, ये मूवी का कैरेक्टर भी कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में तो ये लगता है कि जब वो पट्टियाँ ऐसे वैसे खोल के जब आता है तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं है कि नहीं किया कि शायद वो टकला हो, बॉल रहेगा, बट रियली उसको देखेगा तो शाहरुख को एकदम बॉल्ड हेड में आप चौंक जाओगे यार, सुपर्ब। और लास्ट में जो ट्रेन में डांस करता है, ब्रिलियंट। ये मूवी लिख के ले लो, बिग ब्लॉक लेटर्स ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है ये, सुपर्ब। ट्रेलर को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा, सुपरबली मेड, सुपरबली कट, बैकग्राउंड इज ऑसम, और जितना भी कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाया इस ट्रेलर में सब के सब इंटेंस और वेल परफॉर्मेंस लग रहा है देखने से, सब के सब कैरेक्टर्स सॉलिड है। आते हैं फिर मूवी के बाद, मूवी देखने जाइए, थिएटर में देखो, इंजॉय करो, फैमिली को लेकर जाओ, टाइम स्पेंड करो, रॉक ऑन।